राजीव गांधी जी को टीका करते हैं और वो हमेशा बोलते हैं भाइयों बहनों कितने देश की तरक्की हो गई। आपके हाथ में जो मोबाइल है एक 140 करोड़ लोगों के हाथ में मैंने मोबाइल दिलाया, वो बोलते हैं। अरे भाई ये तो राजीव गांधी की देन है, तुम्हारी नहीं। कंप्यूटर सिस्टम उन्होंने लाया, मोबाइल उन्होंने शुरू किया। तुम क्या करे, जो बड़े बड़े कारखाने हमने लाए, कांग्रेस पार्टी ने लाई, उसको बचाने के बजाय उसको हड़पने का काम किया। किसको दे रहे हो फायदा? अदानी और बड़े जो अमीर लोग हैं उनके हाथ में जा रहा है, इसीलिए इसको बचाना है। और गरीबों के कल्याण के लिए अगर काम करना है तो कांग्रेस को वोट दो। और देश को बर्बाद करना है, लुटेरों को लाना है तो तुम्हारी मर्जी, उनके साथ जाइए। उन्होंने, मैं पूछता हूं हर जगह, वो कभी गुजरात मॉडल बोलते हैं, कभी कौन सा मॉडल बोलते हैं, सब उनकी बड़ी बीजेपी वाले तारीफ में लगते हैं। अब भाई आप इतने अच्छे काम किए हैं तो मैं पूछता हूं, अहमदाबाद में आप 13.5 साल मुख्यमंत्री थे, 10 साल से प्रधानमंत्री हो, 23 साल से आप हुकूमत में हो, क्यों वहां स्त्रियां पौष्टिकाहार से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं? सबसे कम अगर पौष्टिकाहार का फायदा मिलता है तो वो अहमदाबाद में, गुजरात में मिलता है। और हमको सिखाते हैं, देखो यहां ऐसा हुआ, वहां सब जगह जो अच्छा था उसका बिगाड़ने का काम आप ही ने किया, कहीं शांति रहती है तो अशांति करने का काम आपका है। और चुनाव, प्रजातंत्र में चुनाव होना, ये तो संविधान में लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर विदेश में मां बहनों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन यहां पर आजादी मिलते ही, संविधान बनते ही महिलाओं को अगर अधिकार मिला है वो भारत में मिला है, हिंदुस्तान में मिला है। हमने ये काम, जो आदिवासी है, दलित है, किसान है, गरीब है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए तो तुम कुछ काम नहीं करे। अब आदिवासियों की याद आ रही है, अब ये 2-3 साल में वोटों के लिए हर जगह जाना, तुम वनवासी हो, तुम ये हो, अरे हम तो आदिवासी है। मैं तो पार्लियामेंट में बोला, आप सुने क्या नहीं, मैं, मेरे को कोई बोले कि बाबा साहब अंबेडकर में इतना, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ और इतना हरासमेंट हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो इस देश छोड़ के बाहर जाने का कभी नहीं सोचे। वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लॉयर थे, लेकिन उन्होंने इस देश को छोड़ के जाने का काम नहीं किया। वो मैंने हमारे इनको पूछा, कौन हमारे डिफेंस मिनिस्टर अब है, राजनाथ सिंह जी को, और वहीं पर मोदी साहब भी बैठे थे, वो भाषण दे रहे थे, इंटरवेन कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछा,
राजनाथ सिंह जी, डॉक्टर अंबेडकर कहां जाना? डॉक्टर अंबेडकर को यहां के भूमि पुत्र है, आदिवासी है वो, ये जमीन हमारी है, तुम जाओ, जाना है तो बाहर जाओ। मैंने ये ओपनली इसलिए कहा, मेरा गुस्सा है, बाहर जाओ, कहां जाना? हम तो यहां मरे पड़े हुए हैं, ना हमको विद्या मिली, ना हमको पैसा मिला, ना हमको जमीन मिली, ना हमको कपड़े आंख के ऊपर नहीं मिले, हमारे को सर पे छत नहीं, कुछ नहीं, और हमको आप बाहर जाओ बोलते हैं, और आप मजे कर रहे हैं हमारे मेहनत के ऊपर, हमारे कमाई के ऊपर। आप जिंदा हो और हम जो जिंदा रखे आपको, हम ही को बोलते हैं तुम बाहर। तो ये आप सोचना है, ये लोग बैठकर गरीबों का शोषण कर रहे हैं और कुछ भाषण जोरदार दिए तो पेट नहीं भरता उससे। भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए हूं, आपके दुख में हूं, गरीबों के लिए मैं पैदा हो गया हूं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन किए क्या गरीबों के लिए? जो अदानी के लिए की है, उसका 10 पैसे भी अगर आप आदिवासियों को करते तो बहुत बड़ा, बहुत से बच्चे आज पढ़ लिख कर बाहर आते थे, 10 पैसे। आप उसको एयरपोर्ट बेचे, खान बेच रहे हो, कोयले की खान, आयरन खान, पानी, पोर्ट, एयरपोर्ट, अगर अच्छा रास्ता है तो टोल वसूली के लिए ऐसे लोगों को देना, अमीरों को, सब कुछ, और हम कमा के दे रहे हैं। नेहरू जी कमा के बड़े बड़े आधुनिक मंदिर यानी कारखाने बनाए, तुम वो बेच के खा रहे हो आज, और हमको बोल रहे हैं कितने नए कारखाने आपने खोला, कितने नए पब्लिक सेक्टर खोला। पब्लिक सेक्टर बेचने के बाद वहां जो रिजर्वेशन मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। पहले तो हमारे बच्चे किसी कारखाने में जाते थे, गरीब के बच्चों को जगह मिलता था, ऑफिसर्स को मिलता था, और काम पे भी वो लगा सकते, लेकिन आज वो कारखाना ही बंद हो गया तो कहां जाना हो। ये किसी ना किसी तरह से ये गरीबों को सत्ता यानी काम से हटाना, और सिर्फ उन्हीं के लोग वहां बैठना। अब तो ऐसा शुरू हो गया, सेक्रेटरीएट जो दिल्ली में है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीएट ये बड़े, वहां पर दूसरों को जगह ही नहीं है, वो जिनको चाहते हैं उन्हीं को नौकरी मिलती है, और नौकरी देते वक्त भी मोदी जी क्या करते हैं मालूम है आपको? मोदी जी जो अपॉइंटमेंट करके, पहले आप बहुत से लोग यहां पर सरकारी नौकरी में होंगे उनको मालूम है, क्या आपके नौकरी के अपॉइंटमेंट ऑर्डर देश के प्रधानमंत्री बांटते थे? अब सच बोलिए, वो अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटरी से टपाल में आता था, देखकर खुश होता था, लेता था। यहां खुद प्राइम मिनिस्टर एक 4000 नौकरी दिए तो वो पूरा बांटते फिरते हैं। नहीं, वो तो 2 करोड़ देने का वायदा किया था, वो तो अलग होगा। ये जो है नौकरियां जो 2000-3000 भी अगर रिक्रूट करते हैं उसके पर्चा के जैसे सब कुछ बढ़ते रहता है। अरे वो तो काम है, काम वो है, 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, वो भर्ती करो, उसमें आदिवासियों को नौकरी मिलती है, दलितों को नौकरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है, और वो मजबूत होके अपने फैमिली का, अपने कुटुंब का, अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर सकते हैं। लेकिन किसी को परमानेंट नौकरी नहीं मिलना,
ये उद्देश्य से बीजेपी काम कर रही है, यही उद्देश्य से आरएसएस उनको सपोर्ट कर रही है। इसलिए भाइयों, आपके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपकी है। जो महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, दलितों की बेइज्जती हो रही है और नौकरियां नहीं मिल रहे हैं, और बाकी तो छोड़िए, अब छोटे छोटे ना दाल लो महंगा, तेल लो महंगा, प्याज महंगा और सब चीज महंगी, इनके क्यों कंट्रोल नहीं कर रहे, क्या क्या बड़ी बात है ये तो, इतने महंगे हो गए हैं। कोई एक आदमी मुझे बोला, साहब मैं मार्केट में गया था, देख रहा था कहां सस्ता मिलता है, समझ के वो मंडी में फिर रहा था, जरा अच्छा एक दुकान देखा, वहां पर जरा लाल लाल ये अपने प्याज का डेरा डाला हुआ था, उसको छूने गया तो वो बोला मत छुओ इसको, अगर तुम श्वास भी लेंगे उसका पैसे देना पड़ेगा, अगर उसका बांस भी लेंगे तो पैसे देना पड़ेगा, तो इसीलिए वो बहुत महंगा है, तुम जाओ। ऐसी स्त्री, अरे प्याज नहीं मिल रहा, दाल नहीं मिल रही, क्या सरकार बना रहे हो? और हर जगह जाके भाषण करते हैं, अरे म्युनिसिपैलिटी में भी जाते हैं तो भाषण करते हैं इलेक्शन का, जिला पंचायत में जाते हैं वहां भी भाषण करते हैं, एमएलए इलेक्शन में जाते हैं वहां भी भाषण करते हैं, एमपी इलेक्शन तो छोड़ो, ये मेरा इलेक्शन बोलते हैं, एमएलए इलेक्शन को भी ये कहते हैं मेरा चेहरा देख के वोट दो। जिला पंचायत के इलेक्शन में कहीं गए तो मेरा चेहरा देख के वोट दो, अब एमएलए इलेक्शन में भी तुम्हारा चेहरा देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारा चेहरा देखना, जिला पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में अगर तुम्हारा चेहरा देखना, कितने बार तुम्हारे चेहरे दिखाएंगे भाई? क्या हर जगह चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो? कॉरपोरेशन इलेक्शन में मेयर बनने वाले हो? प्रधानमंत्री की जगह मिली है देश के सुरक्षित रखने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को शक्ति भरने के लिए, बच्चों को विद्या देने के लिए, आंग पे कपड़े देने के लिए, सर पे छत देने के लिए, वो काम करो, वो सब छोड़ के हर जगह मैं हूं ना, क्या हर जगह तुम जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, हर जगह तुम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हर जगह तुम ही जाके अपना कॉरपोरेशन का मेयर बनेंगे, बताओ। और इसीलिए आप आजकल हर जगह जाते हैं तो भाई, क्योंकि वहां का बीजेपी का कैंडिडेट अगर गलत है, अगर वो काम नहीं करा, लोग जब गालियां देने शुरू करते हैं तब वो क्या कहते हैं, मेरे तरफ देखो, मेरी सूरत देखकर आप वोट दो, मोदी के लिए दो बोलते हैं। मोदी को कितने बार देना, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार मोदी को देख के तो ये दशा हमारी हो गई। नोटबंदी में सारे गरीब बर्बाद, और कहा 15-15 लाख आके गरीबों को बांटता हूं, कहा है भाई, मिला यहां 15 लाख आप लोगों को? नहीं मिला, प्रधानमंत्री बोले हैं, कैसा नहीं मिलता? आप लोग झूठ बोल रहे लेके, हाँ नहीं, प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोल सकता भाई, आप ही बोलिए, झूठ है। अच्छा छोड़ो, एक झूठ प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे नौजवान बच्चों को, युवकों के लिए हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मिला नहीं मिला? वो कैसा, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग, देश का प्रधानमंत्री ऐसा झूठ बोलता है? फिर उसके बाद किसानों के लिए बोला,
मैं 3 साल में आपकी आमदनी डबल करूंगा। हो गई आपकी आमदनी डबल? अब ये झूठ तो मोदी झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, क्या मैं पूछ रहा हूं वो सही है बोलिए। तो ये इतने झूठ बोलने वाले झूठों के सरदार उनकी भाषण सुनते हो, उसकी बात सुनते हो और मेरा चेहरा देखो बोलते तुम्हारा कैसा चेहरा देखना, इतने झूठ बोलने के बाद तो लोग ऐसा बोलेंगे भाई झूठा है, छुपाएंगे। तो ये है, हम कभी हम हमेशा जो वायदा किए वो हमने निभाया। हमको सरकार बनाने के लिए लास्ट टाइम आपने आशीर्वाद किया था, आपके सभी मुद्दे हमने निभाया और उतना ही नहीं जो कुछ हमने कहा वो करके दिखाया। यहां इतनी मजबूत सरकार है, आप मजबूत लोग हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं? मोदी साहब अपने साथ 3 प्रचारक को लाते हैं, 3 प्रचारक समझते ना, 3 प्रचारक को लाते अपने साथ, 1 ईडी को लाते, 1 सीबीआई को लाते, 1 इनकम टैक्स को लाते। वो तीनों लोग प्रचार स्टार प्रचारक उनके, ये स्टार प्रचारक को लेके आके अगर आ रहे हैं वो तो 5 दिन 6 दिन पहले धार गिरती है। जो कांग्रेस वाले हैं उनके घर पे छापा डालो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन ठीक नहीं होना और लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं होना, ये उनका उद्देश्य है। और ऐसे आदमी को अगर आप वोट देकर फिर से उनकी सरकार यहां पर बसाएंगे तो आदिवासी का जो शोषण हो रहा था वो शोषण चलेगा, दलितों का शोषण जो है वो चलेगा, गरीबों का शोषण चलेगा। तो आज हम थोड़ा कुछ ऊपर उठे हैं वो इंदिरा गांधी जी के वजह से, नेहरू जी के वजह से और आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी के वजह से। इनका तो कुछ भी नहीं है, ना आजादी में आजादी दिलाने में हिस्सा लिए, ना काम करने में उन्होंने हिस्सा लिया, ना कारखाने बनाने में उन्होंने कोई कोशिश की, कुछ नहीं। सिर्फ उनको हुकूमत होना चाहिए। तो पहले तो हमारे रमन सिंह थे शायद 15 साल, अब आप ही देखिए 15 साल की उनकी हुकूमत, 5 साल की बघेल की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत कौन सी अच्छी है? तो आपके जोर नहीं आ रहा। तो 15 साल उन्होंने हुकूमत की, गरीबों के लिए कौन सा काम किया आप बोलिए, और हमने क्या किया वो बोलते हम। मेरे पास पूरी लिस्ट है यहां लेकिन समय नहीं है, वो पूरा बोलने नहीं जाऊंगा। अब जो इस बार वायदा कर रहे हैं और जो घोषणाएं हैं, या आप सबको मालूम है पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ। अब धान का मिलेगा 3,200 रुपये प्रति क्विंटल, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, बिजली 200 यूनिट तक फ्री, सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं नौकरी नहीं मिलती, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा सकते, वो हिंदी पढ़ के यहीं घूमते रहते हैं।
और अमीर के बच्चे अंग्रेजी पढ़ के सब यहां से बैंक से पैसा उठा उठा कर चोरी करके जाकर वहां बसते हैं। हम हिंदी पढ़कर काम करते हैं देश का, देश की संपत्ति बढ़ाने का। वहां नीरव मोदी, वो मोदी, ये मोदी सब मिलके लूट के फॉरेन जाते हैं, उनके बच्चे भी फॉरेन में पढ़ते हैं। अरे हमको एक मामूली इंग्लिश स्कूल दो ताकि हमारे बच्चे भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते के साथ जो हम कहते हैं वो तो करेंगे।